अस्सलाम वालेकुम, मैं रजिया। आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे चटकारा चिकन फ्राई। ये चिकन फ्राई जैसे आप लोग बाहर खाते हैं ना, उससे भी अच्छा हम घर पर बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप लोग इसको कोई भी फंक्शन पार्टी में बना सकते हैं। अगर आप लोग किसी को भी बना कर खिला देंगे ना, आपसे ये रेसिपी जरूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए हम 2 केजी चिकन लिए हैं। इसको अच्छे से हम धुल लिए हैं और पानी इसमें से हम एकदम से ड्राई कर लिए हैं। ये पानी निकल गया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, हम हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च 20 से 25 है और ये 1 मुट्ठी हरा धनिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है, इसको हम लिए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चिकन फ्राई में और थोड़ा ही स्पाइसी ही है, अच्छा लगता है। तो आप लोग अपने हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा पीस गया है, जो हम मिर्ची पुदीना और कोथमीर का पेस्ट बनाए थे, इसको हम पीस लिए हैं। अब चिकन में हम ये पेस्ट डाल देंगे जो हम पीस कर रखे थे, और ये चिकन फ्राई मसाला है, इसको हम डाल देंगे। इससे फ्राई बहुत अच्छा बनता है। अगर आप लोग अपने घर का मसाला नहीं डालेंगे ना, तो भी ये बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, ये मुन्ने का चिकन टिक्का मसाला है, इससे फ्राई बहुत अच्छा बनता है। जो हम बाहर खाते हैं ना फ्राई चिकन, तो इसी मसाले से वो लोग बनाते हैं और घर का मसाला कोई भी नहीं ऐड करते हैं। तो इससे चिकन फ्राई बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे हम बाहर खाएंगे बिल्कुल वैसे ही ये घर पर बनेगा, एकदम ईजी तरीका है और ये फटाफट ये बन जाता है। कोई भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसमें हम 2 पैकेट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी हमारी 2.5 केजी है, तो इसके लिए हम 2 डाल रहे हैं, 2 पैकेट। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 3 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, इसमें हम नमक 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि ये मसाले में नमक रहता है। तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो हम चिकन फ्राई का मसाला डाल रहे हैं ना, तो इसमें पहले से ही ऐड हुआ रहता है, तो आप लोग भी अपने हिसाब से नमक डालिएगा। और इसमें हम चाट मसाला डाल रहे हैं। ये देखिए, सारी चीज़ को हम मिक्स कर लिए हैं। और इसमें हम ये स्पून से 3 स्पून इसमें हम विनीगर डाले हैं, क्योंकि इसको हमको सफ़र में लेके जाना है। तो सफ़र में अगर हम ले जाएंगे विनीगर डाल करना, इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी 24 घंटा ख़राब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ को हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम कवर करके इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, अच्छे से रेस्ट पे, और जो भी मसाला है चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, चिकन को हम 2 घंटे के लिए रख दिए थे मैरिनेशन के लिए। मसाले का फ्लेवर एक एक रेसे में आ गया है, तो अब इसको हम फिर से उलट पलट लेंगे, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। बस हमको पलट लेना है, ऐसे एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तेल को हम गरम कर लिए हैं, अच्छे से गरम हो गया है। अब इसे इसको हम उठा कर ऐसे हम डाल के चले जाएंगे। जितना भी एक बार में आएगा उतना हम इसको डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को हम स्लो रख दिए हैं, अब इसको हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, तो हमारा अच्छे से चिकन अंदर तक पक जाएगा, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो हम स्लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, इतना आ गया है हमारा एक बार में चिकन। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो रखे हैं, अच्छा सा कलर आने तक हम 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उलट पलट कर 10 से 12 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, चिकन को हम 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिए थे, अब इसको हम पलट देंगे और कलर भी माशाल्लाह अच्छा सा आ गया है और ये अच्छे से पक गया है। अब दूसरी तरफ भी हम पलट कर इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए दूसरी तरफ भी हम पका लेंगे। बस सारे पीस को हम पलट देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ गया है, पक चुका है चिकन हमारा। अब दूसरी तरफ भी हम पका लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, सारे पीस को हम पलट दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं चिकन हमारा बिल्कुल भी कहीं से चिपका नहीं है। आप लोग भी इस तरीके से चिकन फ्राई करेंगे तो चिपकेगा नहीं, क्योंकि पहले हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे तेल को। इसका टेम्परेचर एकदम हाई करके हमको गरम कर लेना है, फिर इसको हम स्लो फ्लेम पर चिकन को डालेंगे, तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अब इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे 6 से 7 मिनट। इधर भी गैस की फ्लेम को हम लो ही रखते हैं। ये देखिए, हमारा चिकन फ्राई हो गया है। इसको फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम फास्ट फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये अच्छा बनेगा नहीं, ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो हमारा ये देखिए,
चिकन फ्राई बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे चिकन को फ्राई कर लिए हैं। माशाल्लाह देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही यम्मी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा खट्टा खाना है तो इसमें लेमन डालकर और ऊपर से चाट मसाला डालकर खाएंगे ना तो ये और भी यम्मी लगेगा खाने में। एक हम चिकन तोड़कर आप लोगों को दिखा रहे हैं, एकदम सॉफ्ट बना है। तो आप लोग हमारे तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी चिकन चटकारा फ्राई बहुत अच्छा बनेगा। हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।